संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने मुख्यालय के साथ दृष्टिकोण नामक एक प्रकाशन ने गौतम नवलखा के बारे में एक लेख लिखा था, जो उस समय भारत की अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने के गंभीर आरोपों में बंद थे। मैंने केवल लेख वाला एक थ्रेड ट्वीट किया था, जिसमें मैंने मूल स्रोत और लेखक दोनों का संदर्भ दिया था। इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेरे दृष्टिकोण और श्री एस गुरुमूर्ति के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर अदालत की अवमानना का हवाला दिया। लेखक ने जल्दी से लेख को हटा दिया और इसके लिए माफी जारी की, और फिर श्री एस गुरुमूर्ति ने अदालत में अपने कार्यों के लिए स्पष्ट रूप से माफी मांगी। नतीजतन मैं उस स्थिति में था जहां मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था, और मैं बौद्धिक और नैतिक रूप से उस सामग्री को प्रदान करने के लिए माफी मांगने के लिए मजबूर था जो उस स्रोत से आई थी जिसने लेख को वापस ले लिया था और इसके लिए माफी मांगी थी। न्याय और बहादुरी की लड़ाई के रूप में इसे किसी अन्य प्रकाश में चित्रित करना अहंकारी और जगह से बाहर दोनों होगा। इस समस्या को किसी ऐसी चीज में बदलकर दर्शकों के लिए खेलना बेईमानी है जो यह नहीं है, और यह रचनात्मक ऊर्जा की पूरी बर्बादी है।